हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन्स जो है वो मेंशन किए हैं, वो अभी हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज द ओवरी, और ये ओवरी के अंदर ये जो सारे है दैट इज द ओवम, दीज आर द ओवम प्रेजेंट इन द ओवरी। तो यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द फिम्ब्रे, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के आगे ये जो ट्यूब है, जो ट्यूब ओवरी को यूटेरस से ज्वाइन करती है वो ट्यूब को ओविडक्ट ऐसे कहा जाता है। देन यहाँ पे ये जो पोर्शन है जहाँ पे ओवरी को यूटेरस से एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर के थ्रू ज्वाइन किया गया है दैट इज कॉल्ड एज द ओवेरियन लिगामेंट। अभी ये जो पिंक कलर का जो पोर्शन दिख रहा है दैट इज द यूटेरस, और ये यूटेरस के बाहर जो कवरिंग है वो ब्राउन कलर का जो कवरिंग दिख रहा है, ये जो थिक लेयर यूटेरस के अराउंड फॉर्म होता है उसको मायोमेट्रियम ऐसे कहा जाता है। देन यहाँ पे ये जो पोर्शन है इट इज द साइट ऑफ अ फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये जो प्लेस है यहाँ पे, या ये जो प्लेस है यहाँ पे ओवम यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच जाते हैं, और जो स्पर्म्स है वो वजाइना के थ्रू यहाँ पे आकर ओविडक्ट में यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो दिस टू साइड्स आर कॉल्ड एज अ साइट ऑफ अ फर्टिलाइजेशन, और वी कैन से इट इज अ एम्पुला। एंड यहाँ पे जो डोम शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज द फंडस। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द वजाइना, एंड यहाँ पे उसके ऊपर जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज द सर्विक्स। तो इसके सिवाय भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और भी कुछ पार्ट्स बताए गए हैं, अभी वो मैं वन बाय वन बताती हूँ। फर्स्ट वन है यहाँ पे पेयर ऑफ अ ओवरीज, देन पेयर ऑफ अ ओविडक्ट्स, यहाँ पे है यूटेरस, यहाँ पे वजाइना, देन एक्सटर्नल जिनेटेलिया दैट इज द वुल्वा, उसके बारे में आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन बाद में बताने वाली हूँ। देन पेयर ऑफ अ वेस्टिपुलर ग्लैंड एंड पेयर ऑफ अ मेमरी ग्लैंड। तो ये जो सारे ऑर्गन्स है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। अभी हमें ये ओवरीज के बारे में देखना है, जो कि हमने पैर में देखा था ओवरीज प्रेजेंट होती है लेफ्ट एंड राइट साइड पे। इट इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो हमने जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देखे थे उसमें भी मैंने बताया था कि ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जिसका फंक्शन होता है कि एग या ओवम का प्रोडक्शन करना। इसके साथ में ही ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और ये जो ओवरी है वो उसका अपियरेंस कैसा होता है, यानी कि वो दिखती कैसी है, तो ये जो होती है ये सॉलिड होती है, ओवल शेप में होती है, जिसका थिकनेस होता है 3 mm इन लेंथ एंड 1.5 सेंटीमीटर ये इसकी ब्रेथ होती है, 1 सेंटीमीटर उसका थिकनेस होता है। अब ये जो ओवरी है उसकी पोजिशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ पे होती है, इट इज लोकेटेड इन द अपर लैटरल पार्ट ऑफ द पेल्विस नियर द किडनी। तो हमारी बॉडी में जो किडनीज प्रेजेंट होती है तो किडनीज के नजदीक ही अपर लैटरल पोर्शन में ये ओवरीज प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ओवरीज है, ये ओवरीज ये जो बीच वाला जो यूटेरस है उसके थ्रू ये एक पाइपलाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ज्वाइंट हुई है। तो ये जो पाइपलाइक स्ट्रक्चर है दिस लिगामेंट्स जो है उसको ओवेरियन लिगामेंट ऐसे कहा जाता है। द लार्जेस्ट ऑफ दिस इज द ब्रॉड लिगामेंट फॉर्म बाय द फोल्ड ऑफ अ पेरिटोनियम। तो ये एक टाइप का मेम्ब्रेन होता है, तो ये मेम्ब्रेन के फोल्ड के वजह से यहाँ पे एक ब्रॉडर लिगामेंट फॉर्म होती है, एंड दिस ब्रॉडर लिगामेंट यानी कि ओवेरियन लिगामेंट होती है। इट होल्ड, और इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इट होल्ड्स द ओवरी ओविडक्ट एंड द यूटेरस टू द डॉर्सल बॉडी वॉल। डॉर्सल यानी कि जो पिछला पीछे की जो साइड होती है उसको डॉर्सल साइड कहते हैं। तो ये जो ओवेरियन लिगामेंट है इसका काम क्या है कि ये जो ओवरी है, ओविडक्ट है एंड यूटेरस है उसको बॉडी वॉल के डॉर्सल साइड पे होल्ड करके रखना है। तो ये काम ओवेरियन लिगामेंट करते हैं। द ओवेरियन लिगामेंट अटैचेस द ओवरी टू द यूटेरस। ये ओवरी को यूटेरस से अटैच करने का काम करते हैं। तो ये जो ओवरीज है ये ओवरीज कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। अब ये हार्मोन्स कौन से है, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनहिबिन।
अभी हमें ये जो ओवरीज है उसका स्ट्रक्चर एंड उसके डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना है। ओवरी इज अ कॉम्पैक्टेड विद अ सेंट्रल मेड्यूला। अभी ये जो है ये हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे ये मैंने ओवरीज का डायग्राम ड्रॉ किया है। ओवरी ये ओवरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन कॉम्पैक्टली फिल्ड करके रखे हुए है। तो उसका ये जो सेंट्रल का जो पोर्शन है दैट इज द मेड्यूला। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में कि ये जो सेंट्रल का पोर्शन है दैट इज द मेड्यूला, एंड ये जो बाहर का जो पोर्शन है ये यहाँ का ये जो बाहर का पोर्शन है दैट इज द कॉर्टेक्स। अभी ये जो कॉर्टेक्स है इसको एक लेयर ने कवर्ड किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कॉर्टेक्स है इसको ये जो लाइनिंग लाइनिंग वाला जो स्ट्रक्चर है इसकी इसने ये कवर्ड किया हुआ है। ये जो सेल है उसको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल है उसने ये जो कॉर्टेक्स है उसको कवर्ड करके रखा है। द स्ट्रोमा और द लूज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द मेडुला हैज ब्लड वेसल लिम्फ वेसल्स एंड द नर्व फाइबर्स। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रोमा प्रेजेंट है, स्ट्रोमा यानी कि यहाँ पे ये जो सारा लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर या कॉर्टेक्स के अंदर भरा हुआ है दैट इज द स्ट्रोमा। तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो कि मेडुला की है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स होती है एंड नर्व फाइबर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। द आउटर कॉर्टेक्स इज मोर कॉम्पैक्ट एंड अ ग्रैनुलर। तो ये जो कॉर्टेक्स का ये जो बाहर का लेयर है वो कंपेरेटिवली मोर कॉम्पैक्ट होता है एज कंपेयर टू द इनर पोर्शन, एंड ये ग्रैनुलर होता है। ग्रैनुलर यानी कि यहाँ पे ग्रैन्यूल्स लाइक ग्रैन्यूल्स मीन्स छोटे छोटे दानों जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो ओवेरियन फॉलिकल है वो लार्ज नंबर में यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, उसके बाजू में यहाँ पे ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये जो है ये सेकेंडरी फॉलिकल है। ये क्या है, ये जो सारे ऊसाइट है ये इनिशियल स्टेज में जो भी होते हैं तो उसको हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ऐसे कहते हैं। वो थोड़े डेवलप होने लगते हैं तो उनको हम प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। वो और डेवलप होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के जो फेज में होते हैं तो हम उसको सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे, देन टर्शरी फॉलिकल। ऐसे करते करते इनकी ग्रोथ हो जाती है और इनकी ग्रोथ कंप्लीट कभी हो जाती है, जब ये मैच्योर फॉलिकल बनेंगे तभी उनकी कंप्लीट ग्रोथ होती है। अब ये जो मैच्योर फॉलिकल है उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ये राउंड स्ट्रक्चर दैट इज द ऊसाइट मीन्स एक्चुअल एग जो होता है वो यहाँ पे होता है और ये जो बाहर की सेल है वो इसके सराउंड में प्रेजेंट होती है। तो ये है मैच्योर फॉलिकल। अब ये जो मैच्योर फॉलिकल है इसका क्या होगा कि ऑन द डे ऑफ अ 14th ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये उसका ओव्यूलेशन डे होगा और तभी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे ये आउट होगा, यानी कि इसमें से ये जो ऊसाइट है ये यहाँ से रिलीज्ड होते हैं और उसके ये जो बाहर के जो सेल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिखाया है कि ये जो सेल है यहाँ पे रप्चर हुआ है और ये जो ऊसाइट है ये यहाँ पे एमिट आउट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एमिट आउट होता है। तो दैट इज द ओव्यूलेटेड ओवम। नाउ ये जो सारी फॉलिकल है अभी हम देखेंगे कि दीज फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ ओवम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेल ऑफ द डॉर्सल एंडोडर्म ऑफ अ योक सैक। तो ये जो सारी सेल्स है दिस सेल मूव्स टू अ गोनेडल रिज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे यानी कि अभी ये जो सेल है ये ग्रो हो रही है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है तो उनका माइटोटिक डिवीजन होता है एंड इनका माइटोटिकली डिवीजन होके ये अभी ऊगोनिया यानी कि जो एक सेल्स है वो फॉर्म कर लेते हैं। ऊगोनिया यहाँ पे ये जो ऊसाइट है ये ऊगोनिया है, ये फॉर्म होने के बाद अभी क्या होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे ये जो ऊगोनिया है उनकी ग्रोथ कंटिन्यू होती है और उसके सराउंड में ग्रैनुलोसा टाइप का सेल प्रोड्यूस करते हैं। अभी ये जो ग्रैनुलोसा सेल है उनका काम क्या है कि ये जो ओवेरियन सेल है उसको और भी ज्यादा स्ट्रांग करने का काम करती है। ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने जो देखा था कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, तो ये सारे यहाँ पे ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होती है।
अभी ये जो ऊजेनेसिस की प्रोसेस है, ऊजेनेसिस की प्रोसेस में क्या होते हैं, सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, देन प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और इस तरह से करते करते ये मैच्योर हो जाते हैं और उसका एग फॉर्म होता है। उसी एग को हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं और इसी के अंदर ये जो होती है ये ऊसाइट प्रेजेंट होती है। सो द प्रोसेस ऑफ ऊजेनेसिस स्टार्ट मच बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल बेबी, यानी कि जो भी फीमेल बेबी प्रोड्यूस्ड होने के पहले ही उसके बॉडी में ये सारी जो ऊजेनेसिस है उनकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी होती है एट द एंड बाय द एंड ऑफ द 12 वीक ऑफ द ओवरी इज फुल्ली फॉर्म्ड। यहाँ पे जब भी फीमेल फिटस जब भी मदर की बॉडी के अंदर ग्रो हो रहा होता है, जब भी वो 12 वीक का होता है तब भी ही उसकी बॉडी में ये जो ओवरीज होती है ये फुल्ली फॉर्म्ड होती है। जब भी ये जो फॉर्म होती है तो उसकी बॉडी में कितनी ऐसे ओवरीज होती है, इट हैज मोर देन 2 मिलियन प्राइमोर्डियल सेल्स। तो इतनी सारी प्राइमोर्डियल सेल्स वो फीमेल फिटस के बॉडी में प्रेजेंट होती है। द सेल ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम्स गिव्स राइज टू ग्रुप ऑफ अ ऊगोनियल प्रोजेक्टिंग इनटू द कॉर्टेक्स थ्रू अ एग ट्यूब। तो ये जो एग सेल है उनका क्या होता है, ये क्या करता है कि ऊगोनिया को प्रोजेक्ट ऊगोनिया को कॉर्टेक्स के अंदर प्रोजेक्ट करता है, यानी कि पुश करता है। किसके थ्रू, यहाँ पे एक ट्यूब होती है उसके थ्रू वो उसको पुश करता है। देन ईच प्राइमोर्डियल फॉलिकल हैज अ प्राइमरी, अभी ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल जिनको हम ऊसाइट कहते हैं वो 2n यानी कि डिप्लॉइड होते हैं, और इसको किसने सराउंड किया होता है, बाय अ लेयर ऑफ अ फैट फॉलिकुलर सेल। तो ये जो प्राइमरी हमने डायग्राम में देखा था कि ये जो ऊसाइट है उसके अराउंड जो लेयर होता है उसको फ्लैट फॉलिकुलर सेल से कवर्ड किया होता है। अभी हम यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये इसका सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसको थीका एक्सटर्ना कहते हैं, एक्सटर्ना यानी कि आउटर लेयर, एंड ये जो आपको राउंड राउंड दिख रहा है वो इंटरनल लेयर है, तो इसको थीका इंटरना ऐसे कहा गया है। एंड यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस दिख रही है, जो एम्प्टी स्पेस ऊसाइट एंड ये जो बाहर का जो कवरिंग है उसके बीच में है उसको एंट्रम ऐसे कहा गया है, एंड ये जो ऊसाइट है उसके जस्ट बाहर का जो लेयर है उसको ग्रैन्यूलोसा सेल्स ऐसे कहा गया है, और ये जो ऊसाइट के सराउंडिंग में जो लेयर प्रेजेंट है उसको कोरोना रेडिएटा ऐसे कहा गया है। तो इस तरह से ये ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्राफियन फॉलिकल्स, तो ये सारे जो उसके लेयर्स उसके बाजू में प्रेजेंट है उसके बारे में हमें वहां पे लिखना है और उसकी डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो ये सारे जो लेबलिंग है ये प्रॉपर होना चाहिए।